नमस्कार, आप देख रहे हैं परमार्थ आवास न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। गुजरात प्रांत के अहमदाबाद से मजदूरी कर घर लौटा युवक का शव सोमवार सुबह घर के बगल स्थित बाग में संदिग्ध परिस्थितियों में साड़ी से फांसी के फंदे से लटकता शव ग्रामीणों द्वारा देखा गया। हड़कंप मच गया। इसके बाद ग्रामीणों की भीड़ एकत्र हो गई। सूचना पर मौके पर पहुंचे इंस्पेक्टर कोठी शव को फांसी के फंदे से उतार कर जामा तलाशी कराते हुए पोस्टमार्टम को भेजा। प्राप्त जानकारी के अनुसार कोठी थाना क्षेत्र के रेवती पूर्वा मजरे कोटपा गांव निवासी महादेव प्रसाद रावत का करीब 20 वर्षीय पुत्र सुरेंद्र रावत करीब 2 माह से अधिक समय से प्रांत गुजरात के अहमदाबाद में एक निजी कंपनी में मजदूरी करता था। वह रविवार को किसी काम से घर वापस लौटा था। देर शाम तक घर पर था, लेकिन सोमवार सुबह उसका शव घर से करीब कुछ दूरी के पूर्व दक्षिण स्थित बलराम रावत के बाग में आम के पेड़ से साड़ी के फंदे से संदिग्ध परिस्थितियों में लटका रहा था। सुबह जब शौच को गए ग्रामीणों ने यह दृश्य देख कर ठहर गए। किसी व्यक्ति ने इसकी सूचना परिजनों को दी। सूचना पर गांव में हड़कंप मच गया। सूचना पाते ही परिजन भी रोते बिलखते मौके पर पहुंच गए। मामले की सूचना परिजनों पुलिस को दी। जैसे ही सूचना कोठी इंस्पेक्टर कृष्णकांत यादव को मिली, तत्काल तेजी दिखाते हुए अपने हमराही हल्का दरोगा मोहम्मद फरीद अंसारी, अशोक सिंह तथा होमगार्ड कंपाउंडर मनोज कुमार वर्मा, कांस्टेबल काशीनाथ आदि लोग आनन फानन में मौके पर पहुंच गए। उसके बाद शव को फांसी के फंदे से उतार कर उसकी जामा तलाशी की। इसके बाद पंचनामा करते हुए पोस्टमार्टम को भेजा। इस संबंध में कोठी इंस्पेक्टर कृष्णकांत यादव ने बताया कि पीएम रिपोर्ट के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाए। मृतक के परिजनों ने किसी पर आरोप नहीं लगाया। इस खबर में बस इतना ही। बने रहे परमार्थ आवास न्यूज के साथ। ओशो ध्यान विज्ञान महाविद्यालय म्यूना खुदागंज में समस्त कोर्सेज का प्रवेश प्रारंभ हो चुका है। डिप्लोमा कोर्स इन मेडिकल स्टेट पैरामेडिकल फैकल्टी लखनऊ से संबंधित, सनराइज विश्वविद्यालय अलवर राजस्थान से पत्रकारिता में समस्त कोर्स, बी फार्मा, डी फार्मा, एम फार्मा आदि के प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। तो आज ही प्रवेश लेने के लिए डायल करें 9456871465, 7007616826, 9519574343, 8668061449।